आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारा वैश्यवर्ण भुर्जी समाज है, यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य करने से अलग अलग नामों से जाना जाता है, बंगाल, बिहार और युक्त प्रदेश आदि में। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से आपका अपने चंद्राजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वैश्यवर्ण भुर्जी समाज के कुछ मुख्य भेदों के बारे में बताया था, तो ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपको वैश्यवर्ण भुर्जी समाज के कुछ उपभेदों के बारे में बताता हूँ। अगर हम वैश्यवर्ण भुर्जी समाज के उपभेदों की बात करें तो वो इस प्रकार हैं, जैसे सुखसज्जा, बहलीम, किशनगोती, सोलंकी, पंबार और सायद आदि। यह जो हैं, यह वैश्यवर्ण भुर्जी समाज के कुछ उपभेद हैं। अब अगर हम वैश्यवर्ण भुर्जी समाज की बात करें तो बिहार और बंगाल में वैश्यवर्ण भुर्जी समाज को इन नामों से जाना जाता है, जैसे मध्यसिया, कन्नौजिया, रवानी, मगहिया, गोनर, बल्लमतिरिया, बतरिया, कोरंच, थथेर, भारभूंजा, धुरिया और ठठेरा आदि नामों से बंगाल और बिहार में वैश्यवर्ण भुर्जी समाज को जाना जाता है। अगर हम युक्त प्रदेश में बात करें तो युक्त प्रदेश में वैश्यवर्ण भुर्जी समाज को इन नामों से जाना जाता है, जैसे कन्नौजिया, मूलकुरी, खोपडिया, मध्यसिया, खुला, दखाइच, गुनियाथी, गंगापरी, चचेरा, टचरा या तचरा, बेलबार और गुरिया आदि नामों से वैश्यवर्ण भुर्जी समाज को युक्त प्रदेश में जाना जाता है। अगर हम वैश्यवर्ण भुर्जी समाज के काम धंधे की बात करें तो अलग अलग स्थान पर रहने के कारण काम धंधे में भी काफ़ी फर्क देखा जा सकता है, जैसे कन्नौजिया और मध्यसिया आदि जो हैं ये अनाज भूनने का कार्य करते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें, कन्नौजिया और मध्यसिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कन्नौजिया और मध्यसिया जो हैं ये अनाज भूनने का कार्य करते हैं, अगर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में इन नामों में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया गया है या फिर परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में हम बात करें अगर हम भुर्जी समाज की तो एक नहीं लगभग 50 नाम उपलब्ध हैं। जैसे आप रोजाना वीडियो में देख ही रहे हैं कि हर बार में कोई ना कोई एक नया नाम सामने आ जाता है, तो आज के समय की हम बात करें कि जो अनाज भूनने आदि का कार्य करते हैं तब उनमें और भी नाम शामिल हैं, जैसे चंद्रा, चंद्रवंशी, भुर्जी, भोजवाल इत्यादि नाम भी शामिल हैं। अब जो गोनर लोग होते थे, जो वैश्यवर्ण भुर्जी समाज में जो गोनर लोग होते थे वह पत्थर काटने का काम करते थे। अगर हम मध्यसिया और बतीर आदि की बात करें तो यह हलवाई का भी काम करते हैं और अनाज भूनने का भी कार्य कर लेते हैं। अगर हम हलवाई की बात करें तो हलवाई कोई का क्या है, मत पंथ संप्रदाय या कोई जो है जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि हलवाई जो उसी को कहा जाता है जो मिठाई का कार्य करता है, चाहे वह किसी भी समाज से हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से हो या किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो, जो भी मिठाई का कार्य करता है उसी को हलवाई कहा जाता है। इससे यही प्रमाणित होता है कि हलवाई नाम की कोई भी जाति, मत पंथ संप्रदाय नहीं होता है, बल्कि हलवाई उसको इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि वह मिठाई का कार्य करता है। कन्नौजिया सोरा बनाते हैं, जो अपने नाम के साथ में कन्नौजिया आदि लगाते हैं तो वह लोग सोरा बनाने का कार्य करते हैं। मध्यसिया और गुरिया खेती किसानी का कार्य करते हैं। वैश्य बना भुर्जी समाज में जो करौच लोग होते हैं वह छप्पर छाने, झोंपड़ी बांधने और बनाने तथा मिट्टी के घर बनाने आदि की राजगिरी भी करते हैं। तो यह जो पहले कार्य करते थे, यह वैश्य बना भुर्जी समाज के जो करौच लोग होते थे, जो अपने नाम के साथ में जिन्हें की करौच नाम से जाना जाता था, वह झोंपड़े बनाने, मिट्टी के घर बनाने और राजगिरी आदि का कार्य करते थे। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में छप्पर शायद ही किसी के यहाँ पे हो, वरना आज के समय में सबके घर बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आज के समय में भी अपना जीवन यापन झोंपड़ी में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास में घर है तो सभी के पास में घर होगा और लिंटर पड़ा हुआ होगा। आज के समय भी अगर हम देखें तो बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छप्पर बनाकर, झोंपड़े बनाकर उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम वैश्य बना भुर्जी समाज में धुरिया और रवानी आदि लोगों की बात करें तो वैश्य बना भुर्जी समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने नाम के साथ में धुरिया या रवानी आदि उपनामों को लगाते हैं। बिहार में हम जो आज भी देख सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ में रवानी आदि लगाते हैं। तो वैश्य बना भुर्जी समाज में यह जो लोग हैं धुरिया और रवानी नाम के, तो यह पालकी उठाने का कार्य करते थे। जब कोई शादी विवाह आदि का कार्य होता था, जब दुल्हन विदा होती थी, तो पहले जो होता था तो पहले जो पालकी में ही विदा होती थी, तो उस समय ये लोग धुरिया और रवानी आदि जो लोग थे, यह पालकी उठाने का कार्य करते थे। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में मोटर गाड़ी चल रही है, मारुति आती है, उसी में बैठो और उसी में दुल्हन विदा होती है। तो ये आज के समय में, पहले के समय में और आज के समय में काफ़ी बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा वैश्य बना भुर्जी समाज है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि में। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।